हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना राव नर्सिंग में। आज हम पढ़ने वाले हैं डिसमेनोरिया के बारे में। डिसमेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं दर्द युक्त मासिक धर्म। अधिकतर फीमेल्स में ये देखा जाता है कि जब उनको पीरियड स्टार्ट होने वाले रहते हैं तो उसके 2-3 दिन पहले या फिर जब उनको पीरियड स्टार्ट रहता है उस दौरान बहुत दर्द होता है, जिसको हम मेडिकली टर्म में कहते हैं डिसमेनोरिया। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि डिसमेनोरिया किसे कहते हैं और ये कितने टाइप्स का होता है, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, इसके क्या कॉजेज होते हैं, यही हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं डिसमेनोरिया के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके टाइप्स कि डिसमेनोरिया कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए, डिसमेनोरिया के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी डिसमेनोरिया एंड सेकेंड होता है सेकेंडरी डिसमेनोरिया। तो जो प्राइमरी डिसमेनोरिया हम किसको कहेंगे और सेकेंडरी डिसमेनोरिया किसको कहेंगे, ये पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। फिलहाल आज हम सिर्फ प्राइमरी डिसमेनोरिया के बारे में ही पढ़ेंगे, सेकेंडरी डिसमेनोरिया के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं प्राइमरी डिसमेनोरिया के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम प्राइमरी डिसमेनोरिया किसको कहते हैं, इसको हम एक सिंपल वे में कह सकते हैं। प्राइमरी डिसमेनोरिया कैन बी डिफाइन एज अ क्रम्पिंग पेन इन लोअर एब्डोमेन अकरिंग जस्ट बिफोर और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इन अब्सेंस ऑफ एनी पेल्विक पैथोलॉजिकल डिजीज लाइक यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, यूट्राइन पॉलिप्स, इंडोमेट्रोसिस। तो सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी फीमेल्स को मेंसेस के 2 से 3 दिन पहले या फिर मेंसेस के दौरान दर्द होता है और वह दर्द बिना किसी ऐसी बीमारी की वजह से हो रहा है, मतलब उसको पहले से किसी भी तरह की कोई पेल्विक की बीमारी नहीं है, उसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको मेंसेस के समय दर्द होता है, तो उसको हम रखेंगे प्राइमरी डिसमेनोरिया में। तो सिंपली इसको आप समझ लीजिए कि इसमें अब्सेंस ऑफ एनी पैथोलॉजिकल और पेल्विक डिजीज, बिना किसी पैथोलॉजिकल पेल्विक डिजीज के ये पेन होता है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी डिसमेनोरिया और ये ड्यूरिंग मेंसेस या फिर मेंसेस से 2-3 दिन पहले होता है। अगर हम इसके कॉजेज की बात करें तो इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कॉज हैं जो दिए गए हैं। तो अगर हम इसके कॉजेज देखते हैं, कॉजेज में फर्स्ट है सेप्टेट यूट्रस। सेप्टेट यूट्रस का क्या मतलब होता है, देखिए अगर हम नॉर्मल यूट्रस को देखें तो उसका जो शेप होता है वो ऐसे होता है, लेकिन जब सेप्टेट यूट्रस होता है तो यूट्रस का जो ये बॉडी वाला पार्ट है यहाँ पे एक ऐसे मेम्ब्रेन बन जाती है, एक वॉल बन जाती है। ये वॉल थिक भी हो सकती है या थिन भी हो सकती है। ये क्यों होती है, ये होती है कंजनाइटल एनामलीज की वजह से, और ये कंजनाइटल एनामलीज होती है जो मिलेनियन डक्ट होती है उनके वजह से। जैसे जब कोई फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती है उस समय क्या होता है कि जो भी फीटस होता है उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तौर पे 2 चीजों का निर्माण होता है, एक तो होती है मिलेनियन डक्ट जो ऐसे होती है, इसको हम बोलते हैं मिलेनियन डक्ट, और इसके साथ एक और डक्ट होती है जिसको बोलते हैं वाल्फेरिन डक्ट, वाल्फेरिन डक्ट, और यहां होते हैं गोनेड्स, इनको हम बोलते हैं गोनेड्स। अब देखिए, जो मिलेनियन डक्ट होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, और जो वाल्फेरिन डक्ट होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। अगर जो है जो भी फीचर्स है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फीमेल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जो वाल्फेरिन डक्ट होगी ये धीरे धीरे क्या होता है डिस अपीयर हो जाती है और सिर्फ मिलेनियन डक्ट बचती है, और यहाँ पे जो गोनेड्स होते हैं ये ओवरी बन जाते हैं, ठीक है। और जो मिलेनियन डक्ट है फिर यही क्या करती है कि इसके जो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे मिलेनियन डक्ट होती है
तो मिलेनियन डक्ट की जो ये वाली लेयर होती है, यही जो है डेवलपमेंट इसका होके, इसका फॉर्मेशन अच्छे से होके, जो ऊपर फंडस वाला पार्ट है इसका निर्माण करती है। अगर उस दौरान कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है, किसी चीज की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से ये मिलेनियन डक्ट का अच्छे से फॉर्मेशन नहीं हो पाता, उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कंजनाइटल यूट्राइन एनोमलीज होती है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर फीमेल है फीटस, तो जो मिलेनियन डक्ट है वो एक्टिव हो जाती है, और जो वाल्फेरिन डक्ट है वो क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है, और जो गुनेट्स होते हैं ये ओवरी का फंक्शन करने लगते हैं। लेकिन अगर मेल फीटस है तो क्या होता है, तब मिलेनियन डक्ट का काम खत्म हो जाता है, और जो वाल्फेरिन डक्ट है ये क्या डेवलप होने लगती है, और जो ये गुनेट्स है ये क्या हो जाते हैं, ये टेस्टिस बन जाते हैं, टेस्टिस बन के वर्क करने लगते हैं। तो मेन फंक्शन इसमें होता है मिलेनियन डक्ट का। अगर मिलेनियन डक्ट में किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी आती है तो उसका सीधा इफेक्ट पड़ता है यूट्रस पे, क्योंकि इसी के थ्रू जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जैसे यूट्रस हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गई, ओवरी हो गई, इन सब का निर्माण इसी से होता है। तो अगर मिलेनियन डक्ट में किसी भी तरह की कोई डिफॉर्मिटी आती है तो इसका सीधा इफेक्ट पड़ता है यूट्रस के शेप साइज पे। तो देखिए जो सेपरेट यूट्रस है इसमें क्या होता है कि जो मिलेनियन डक्ट का अपर वाली लेयर होती है ये फंडस का तो निर्माण करती है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे ये एक सेप्टम का भी फॉर्मेशन कर देती है, जिसकी वजह से जो यूट्रस होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे जो फंडस वाला पार्ट है ये तो ऐसे ही रहता है, लेकिन जो बॉडी वाला पार्ट होता है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मे बी इसकी वजह से जो फीमेल्स होती हैं उनमें मेंस्ट्रुएशन के समय पेन हो सकता है, क्योंकि जितने भी हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं वो सभी अफेक्टेड होते हैं। इसके साथ ही ये जो सेप्टेड यूट्रस है इसका ट्रीटमेंट सर्जिकल तौर पे पॉसिबल है, इसको रिमूव किया जा सकता है सर्जरी के थ्रू। नेक्स्ट इसका कॉज दिया गया है डिसमेनोरिया का, बाइकार्नुएट यूट्रस। बाइकार्नुएट यूट्रस का मतलब होता है, तो जो यूट्रस होता है वो दो भाग में डिवाइड हो जाता है, वहां पे भी जो मिलेनियन डक्ट होती है इन्हीं का फंक्शन होता है। नॉर्मल यूट्रस मैंने आपको बताया कि ऐसा होता है, लेकिन जब बाइकार्नुएट यूट्रस होता है तो उसमें क्या होता है कि ये जो ऊपरी लेयर होती है मिलेनियन डक्ट की, इसका फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, जिसकी वजह से जो यूट्रस है उसका सेप ऐसा हो जाता है, मतलब कि जो यहाँ पे फंडस वाला पार्ट बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है, और मिलेनियन डक्ट तो क्या होती है कि उसका अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और वो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाता है, जिसकी वजह से यूट्रस क्या होता है कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और इसका जो शेप होता है वो हर्ट लाइक बन जाता है, हर्ट लाइक इसका शेप बन जाता है, जिसको हम कहते हैं बाइकार्नुएट यूट्रस। तो अगर ऐसी कोई समस्या होती है फीमेल्स में, ऐसी कोई कंजनेटल यूट्राइन एनोमलीज है फीमेल्स में, तो उसकी वजह से भी उसको डिसमेनोरिया होने के चांसेस होते हैं, ये ऐसा कॉज में कहा गया है। थर्ड इसमें कॉज दिया गया है यूट्राइन हाइपोप्लेजिया। अब यहाँ पे टर्म आया है हाइपोप्लेजिया। हाइपोप्लेजिया का मतलब होता है इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू, मतलब किसी भी टिश्यू का प्रॉपर उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिसको हम कहते हैं हाइपोप्लेजिया। लेकिन इसके पहले एक वर्ड जुड़ा है यूट्राइन, मतलब कि यूट्रस से रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स होते हैं उसके सराउंडिंग, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनमें किसी भी टिश्यू का क्या होता है कि प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है, जिसको हम कहते हैं यूट्राइन हाइपोप्लेजिया। तो इसमें किसको रखा गया है, इसमें रखा गया है ओवरी को, किसको रखा गया है ओवरी को। तो देखिए अगर ओवरी के सम टिश्यूज का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है, तो टिश्यू से जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो इनका जो नॉर्मल एक वे होना चाहिए वो नहीं होता है, और जब हार्मोनल डिस्टर्बेंस होगा तो इसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। तो यहाँ पे मे बी इसकी वजह से भी फीमेल को डिसमेनोरिया कॉज करता है। नेक्स्ट इसका कॉज है कंजेशन ऑफ सर्वाइकल कैनाल, मतलब कि जो सर्वाइकल कैनाल है उसमें किसी भी तरह का कंजेशन होना, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं वेन इनकॉम्पिटेंस, वेन इनकॉम्पिटेंस। तो इसमें क्या होता है
कि जो वेन होती है ये बहुत ज़्यादा लार्जर हो जाती है और स्पेशली इसमें अफेक्टेड होता है इंडोमेट्रियम जो लेयर होती है, क्योंकि जब वेन क्या होती है कि इनलार्ज हो गई तो वो क्या होती है ट्विस्ट हो जाती है, जगह जगह पे ट्विस्ट हो जाती है। अगर नॉर्मली वेन को देखें तो मान लीजिए ऐसे चल रही है, लेकिन यही वेन जब बड़ी हो जाती है इनलार्ज हो जाती है किसी वजह से तो वो क्या होती है जगह जगह पे ऐसे ट्विस्ट हो जाती है। तो जहाँ जहाँ पे ये ट्विस्ट होगी वहाँ वहाँ पे जो ब्लड फ्लो होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा। जब ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो जो इंडोमेट्रियम लेयर है वो क्या होगी कि ब्लड फ्लो के जगह जगह रुकावट की वजह से इंडोमेट्रियम क्या होगी थिक हो जाएगी, और यहाँ पे इंडोमेट्रियम थिक होने की वजह से क्या होगा कि एक पेन होगा, एक दर्द महसूस होगा फीमेल को। स्पेशली ये कब होता है मेंस्ट्रुएशन के समय ही होता है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा जो हार्मोन्स होते हैं उनका इम्बैलेंस होता है और यहीं पे जो है जो सर्वाइकल कैनाल है इसमें कंजेशन हो जाता है, क्योंकि जो वेन होती है वो इनलार्ज जाती है। मे बी किसी किसी फीमेल्स में ये कॉज बन सकता है डिसमेनोरिया के लिए। डिसमेनोरिया का फिफ्थ कॉज है एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन हार्मोन्स, मतलब कि जो वैसोप्रेसिन हार्मोन्स होता है अगर अधिक मात्रा में इसका सिक्रीशन होता है तो इसकी वजह से भी डिसमेनोरिया कॉज करता है। कैसे? देखिए जब फीमेल को मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो उस समय क्या होता है कि अगर वैसोप्रेसिन हार्मोन्स का सिक्रीशन अधिक होता है तो ये सीधा इफेक्ट डालता है जो मायोमेट्रियम लेयर होती है उस पर। मायोमेट्रियम जो लेयर है ये यूट्रस की मिडल लेयर होती है, और जो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन का जो फंक्शन होता है वो मायोमेट्रियम में ही होता है। तो वैसोप्रेसिन का सीधा इफेक्ट ये पड़ता है कि जो मायोमेट्रियम लेयर होती है वो हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, और जब हाइपर सेंसिटिव हो जाती है तो उसमें जो कॉन्स्ट्रक्शन का प्रोसेस होता है वो बहुत जल्दी जल्दी होता है। जब कॉन्स्ट्रक्शन जल्दी जल्दी होगा तो इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं उस पर एक प्रेशर पड़ता है, एक दबाव पड़ता है, और जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। वहाँ पे जो फीमेल्स होती है उसको एक क्रैम्पिंग पेन फील होता है। ये किस वजह से हो रहा है? ये वैसोप्रेसिन हार्मोन्स अधिक सिक्रीशन की वजह से हो रहा है। तो जो वैसोप्रेसिन हार्मोन्स होता है अगर ये अधिक मात्रा में सिक्रीट हो रहा है तो ये क्या करेगा, ये मायोमेट्रियम को अधिक हाइपरसेंसिटिव कर देगा, जिसकी वजह से उसमें कॉन्स्ट्रक्शन बढ़ जाते हैं, और ये क्या होता है ये डिसमेनोरिया को कॉज करता है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या होती है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, उनका ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। डिसमेनोरिया का सिक्स कॉज बताया गया है एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ मतलब कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स होता है अगर इसका सिक्रीशन भी अधिक मात्रा में हो रहा है तो इसकी वजह से भी डिसमेनोरिया कॉज करता है। कैसे? प्रोस्टाग्लैंडिन का जो सिक्रीशन होता है वो इंडोमेट्रियम से होता है। इंडोमेट्रियम जो होती है वो यूट्रस की इनर लेयर होती है, इंडोमेट्रियम। तो जब मेंसेस स्टार्ट होने रहते हैं, मेंसेस स्टार्ट होने से एक या दो दिन पहले जो इंडोमेट्रियम लेयर होती है ये एक थिन लेयर का निर्माण करती है, थिन लेयर का निर्माण करती है, और ये थिन लेयर क्या करती है कि लार्ज अमाउंट में प्रोस्टाग्लैंडिन को स्टोर करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन को ये स्टोर करती है, और जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो उस समय ये उतना ही प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करती है जितना व्यक्ति को जरूरत होती है, क्योंकि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये एक वैसो डायलेटर होता है। तो जब ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो जो ब्लड फ्लो होगा, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होगा वो अच्छे से फ्लो करेगा और किसी भी तरह का पेन नहीं होगा। लेकिन जब प्रोस्टाग्लैंडिन एक्सेसिव अमाउंट में होता है, और किस वजह से होता है, ये जो थिन लेयर है जहाँ पे ये स्टोर हुआ है अगर किसी वजह से ये ब्रेक डाउन हो गई तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रीट होने लगता है, और फिर ये क्या करता है कि वैसो डायलेटर की जगह पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का फंक्शन करने लगता है, क्योंकि जब इसका सिक्रीशन अधिक होता है तो ये फंक्शन करने लगता है, फॉर्मेशन करने लगता है ब्लड क्लॉट का। जगह जगह पे क्या होगा कि ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है, और इसके साथ ही जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, और फिर वहाँ पे एक क्रैम्पिंग पेन फीमेल को होता है। तो ये जो दोनों आपने देखा, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन हार्मोन्स और एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स, ये मोस्टली पाए जाते हैं प्राइमरी डिसमेनोरिया में।
इनकी वजह से ही प्राइमरी डिसमेनोरिया अधिकतर केसेस में देखा जाता है। इसके बाद इसमें और भी कॉजेज बताए गए हैं, जैसे एंजाइटी की वजह से भी फीमेल्स में देखा जाता है कि उन्हें डिसमेनोरिया होता है। इसके साथ ही टेंशन की वजह से भी फीमेल्स में डिसमेनोरिया देखा गया है कि उसको दर्द होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कॉज हैं, लेकिन स्पेशली यहाँ पे मैंने 6 कॉज आपको बताए हैं जो अधिक रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्राइमरी डिसमेनोरिया के लिए। अब अगर हम इसके साइन सिम्टम्स की बात करें कि हम कैसे पहचानेंगे कि फीमेल को प्राइमरी डिसमेनोरिया है, तो इसमें देखिए सबसे पहला जो साइन दिया गया है वो क्या दिया गया है, पेन इन लोअर एब्डोमेन, पेन इन लोअर एब्डोमेन बिफोर सम आवर्स और वन आर टू डेज, मींस कि जो भी फीमेल्स होगी उसको लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, और ये पेन कब होगा, मेंसेस के कुछ समय पहले या फिर 1-2 दिन पहले। तो ये पहला साइन है प्राइमरी डिसमेनोरिया का। इसके साथ ही क्या होता है, पेन रेडिएट इन लोअर एब्डोमेन टू बैक एंड थाई, मतलब जो फीमेल होगी उसको जो पेन होगा वो लोअर एब्डोमेन से शुरू होगा, लेकिन इसके साथ ही उसको कमर में भी दर्द होगी और प्लस उसका जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होती है उसमें भी उसको दर्द महसूस होगा। इसके साथ और भी सिम्टम्स फीमेल में देखे जाते हैं, जैसे उसको रेस्टलेसनेस हो सकता है, रेस्टलेसनेस एंड उसको नोजिया होगा, प्लस वोमिटिंग होगी, बैक पेन होगा, ये मैंने अभी आपको बताया कि उसको बैक पेन होगा, लोअर एब्डोमेन से शुरू होगा और फिर वो बैक से थाई तक रेडिएट होके होगा। तो यहाँ पे जो भी सिम्टम्स हैं ये सभी प्राइमरी डिसमेनोरिया में फीमेल्स में देखे जाते हैं, और ये सिम्टम्स 2-3 दिन के अंदर अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसमें किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर फीमेल्स को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे हम इसको ट्रीटमेंट्स भी देते हैं, जिसमें हम सम एनाल्जेसिक्स या फिर एंटी स्पाजमोटिक्स ड्रग का यूज करते हैं। नॉर्मली इसमें क्या करते हैं कि जो भी फीमेल्स होती है उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, उसको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ कुछ दिन की या कुछ समय की बात है, इसके बाद ये अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम उसको रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। इसके साथ ही उसको हम कुछ गर्म चीज़ें पीने के लिए देते हैं, जैसे उसको हम हॉट टी दे सकते हैं, कॉफ़ी दे सकते हैं, फिर हॉट ड्रिंक दे सकते हैं, सूप दे सकते हैं, ये सब उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। स्पेशली जो डिसमेनोरिया में हम मेडिसिन यूज करते हैं उसमें फर्स्ट होती है आइबुप्रोफेन 400 mg, जिसको हम टीडीएस देते हैं 3 डेज तक, एंड उसके बाद सेकेंड मेडिसिन है मेफोनोमिक जो होती है 250 mg, इसको भी टीडीएस देते हैं 3 डेज तक। इसके साथ ही एक और मेडिसिन हम इंक्लूड करते हैं जिसको बोलते हैं इंडोमिथासिन, ये जो मेडिसिन होती है ये भी 250 mg होती है और इसको भी हम टीडीएस देते हैं 3 डेज तक। तो ये जो 3 मेडिसिन हैं इन्हीं का हम यूज करते हैं जब फीमेल को डिसमेनोरिया होती है, उस समय ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में आता है। यहाँ पे जो आइबुप्रोफेन है ये एक एनाल्जेसिस का काम करती है, और जो ये मेफानोमिक है ये क्या होती है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर होती है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज हो रहा है ये उसको इनहिबिट करती है, रोक देती है, जिसकी वजह से जो उसको क्रैम्पिंग पेन हो रहा है उसमें रिलीफ मिल जाता है। तो ये प्राइमरी मेडिसिन है जिनको हम यूज करते हैं प्राइमरी डिसमेनोरिया में। तो फ्रेंड्स आज का वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे सेकेंडरी डिसमेनोरिया के बारे में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।